पुल हवा से उड़ जाता है, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है लोगों को, ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, पर होता क्या? बीपीएससी वाला ये जो पेपर लीक वाला जो मामला है भाई, क्या हो जाएगा इसमें बताएं ना? अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई? जातीय जनगणना तो बहाना है भाई, जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के, कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने? जमुई सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। अगर इन्हें बिहार में जातिगत जनगणना करवाना होता तो ये बंद कमरे में मुलाकात नहीं करते। वहीं चिराग ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि आपको कौन रोक रहा है, आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराने वाले। उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपके साथ मौजूद थे, फिर आज आपको एक घंटे बंद कमरे में क्या बातचीत करने की जरूरत पड़ गई? अच्छा बताइए ईमानदारी से, क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई? जातीय जनगणना तो बहाना है भाई, जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री यहाँ प्रदेश के, कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? भाई केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके घटक दल ने आपको क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि भाई हम नहीं कराने वाले जातीय जनगणना। तो आप तो गए थे प्रधानमंत्री जी के पास भी, उस वक्त भी आप नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ लेकर गए थे, तो आज एक घंटे तक कमरे में बैठकर आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही में जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरीके से भाई बिहार की विडंबना भी यही रही है कि सिर्फ कुर्सी को बचाने को लेकर, आज की तारीख में 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास समय है पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में वो चले जाते हैं, पर ये समय नहीं है कि भैया जो शिक्षक यहाँ पर सर मुंडवा कर बैठे हैं उनके पास चले जाएं। उनके पास ये समय नहीं है कि भैया जो छात्र जो अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनके पास चले जाएं, पर उनके पास नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर जाने का समय है, उनके साथ एक एक घंटे बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ये बैठक। वहीं इसके अलावा चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ रहे अपराध के साथ बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में लीक हुए क्वेश्चन पेपर को लेकर भी नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, इसके जांच में कुछ भी खुलासा नहीं होगा। इसके अलावा चिराग ने गोपालगंज में हुए आरजेडी नेता की हत्या पर भी सवाल उठाया। बीपीएससी वाला ये जो पेपर लीक वाला जो मामला है भाई, क्या हो जाएगा इसमें बताएं ना? अभी तक कौन से अपराध की जांच रिपोर्ट सामने आई, कितने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई बिहार के इतिहास में मुझे बता दीजिए ना, जितनी यहाँ पे अपराध हुए, जितने घोटाले हुए, जितने ऐसे कार्य हुए जिनकी जांच की बात तो निरंतरता में हुई, पर उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई, जवाबदेही, जिम्मेदारी कभी तय नहीं हुई। तो अगर आश्चर्य मुख्यमंत्री जी को हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम उसकी सच्चाई जनता के सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले से बिहार की छवि खराब हुई है। बिहार में जिस तरीके से शिक्षा स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ये उसके नए मापदंड को इस पेपर लीक मामले ने पार किया है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था भैया, बिहार के युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कोई मामूली घटना नहीं है। तो यकीनन आश्चर्य ही नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चिराग पासवान को क्या भरोसा नहीं है जो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है, क्या आपको भरोसा नहीं है उसका? भाई जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो मैं यही बात बोलूँगा, क्योंकि बिहार में जाँच की बात तो कई बार हुई, पर आज तक कौन सी जाँच की रिपोर्ट आप मुझे बताइए ना जो हम लोग के सामने आई हो, कौन सी जांच की रिपोर्ट है? क्या इससे पहले कभी पुल नहीं गिरे बिहार में? इससे पहले पुल पुलिया कितनी बार गिरे? क्या हो गया? कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे? पहली बार अगर ये एक ऐसा पेपर लीक का मामला आया है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि विभिन्न और एग्ज़ामों में इस तरीके की घटनाएँ सामने नहीं आई। भाई बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 3 साल का कोर्स 5वां साल में कम्प्लीट होता है, छात्र सड़क पर बैठे रहते हैं,